हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं योगेश अग्रवाल आपका वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस बार आप जैसे आप देख ही रहे हो बोर्ड पर, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में बदलाव हो गया है। साहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 में अब क्वेश्चन पेपर वैसा नहीं है जो पिछली बार आ रहा था। क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंज हुआ है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आपको जरूर चाहूंगा कि हम आपके लिए नए नए वीडियो अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव बनाते रहते हैं, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिलेटिव या जो भी 10वीं में बच्चे हैं उनको सबको शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं, साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में पिछली बार में क्या होता था बच्चों, कि एक बात तो ये थी कि पीसीएम या पीसीबी सिर्फ कोई एक ही हम अटेम्प्ट कर सकते थे, या तो बच्चा पीसीबी दे सकता था या पीसीएम। लेकिन इस बार से क्या हुआ है, कोई स्टूडेंट अगर जनरल है वो पीसीएम पीसीबी दोनों को अटेम्प्ट कर सकता है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, पीसीएम का जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है और पीसीबी का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे दोनों भी जो लेना चाहते थे पीसीएमबी, वो दोनों ही क्वेश्चन पेपर को देना पड़ेगा उनको, राइट। तो बड़ा चेंज ये है पहले तो। दूसरा चेंज देखेंगे कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर में क्या किया है। पहले क्या होता था, अर्लियर क्या होता था कि उनके दो सेक्शन थे, सेक्शन ए जिसमें होता था इंग्लिश ग्रामर, बेसिक मैथ और मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। अब इसमें से उन्होंने क्या किया है कि इंग्लिश ग्रामर को टोटली कट कर दिया है। दूसरा सेक्शन बी होता था, उसमें क्या होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री या और दूसरा बायो और मैथ वाले के लिए मैथ, ऐसा होता था। ये वैसा ही है, लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को ऐड कर दिया गया है, राइट। पहले क्या होता था कि ये जो है ना, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती थी, नो नेगेटिव मार्किंग। और यहां पे क्या था, +4 करेक्ट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए -1, ये स्कीम इधर सेक्शन बी में चलती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इसको पूरे को कैंसिल करके टोटल एक ही एग्जाम पेपर बनाया गया है और उसमें क्या किया गया है, सिंगल क्वेश्चन पेपर, सिंगल क्वेश्चन पेपर बना दिया गया है। कैसा बनाया है वो मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट में। ये पुरानी बात थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब क्या है, नाउ 2024 क्या होने वाला है इसमें, देखिए इसमें बेसिक मैथ प्लस मेंटल एबिलिटी, इन दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, पहला चेंज। दूसरा फिजिक्स 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी 25 क्वेश्चन, ये हो गया एक क्वेश्चन पेपर, टोटल 100 क्वेश्चन पीसीबी के लिए हो गया, ये पीसीबी ये हो गया, ऐसा देना है। और इसमें सही क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया, मतलब सही आंसर दिया तो उसके लिए +4 और रॉन्ग आंसर दिया तो -1, फॉर एंटायर क्वेश्चन पेपर पूरे के लिए है ये। पहले बेसिक मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार क्लियर है, पूरा 100% +4 -1 की स्कीम में आ गया, ये पीसीबी के लिए। फिर पीसीएम के लिए क्या हो गया, पीसीएम सेम ये वाले क्वेश्चन पे जैसे हैं 25 क्वेश्चन, ये वाले भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे बायो की जगह पर चेंज होके मैथ, मैथ के 25 क्वेश्चन कर दिए हैं और फिर से यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए।
और उसमें मार्किंग स्कीम भी उसी प्रकार से रखी है, सेम, करेक्ट आंसर के लिए +4 और रॉन्ग आंसर के लिए -1, ये कर दिया गया। तो आप सभी लोगों को बहुत ही सतर्कता से ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी हुई है। बाय एकेडमी के चैनल से आपने बहुत सारे व्यूज दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को करना सीखा है, हमने हर बच्चे का ध्यान रखा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करना सीख सकें। 8, 9, 10 के पूरे सिलेबस के ऊपर आपने हमारे सभी वीडियोज देखे होंगे, राइट। तो ये फाइनल स्टेज में हम ये आपको सामने देना चाहते हैं, इसको आप ठीक से कर लीजिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके रॉन्ग आंसर्स कम से कम कीजिए। आपको जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत अटेम्प्ट कीजिए। सफलता तुक्का मारने में नहीं है, सफलता है कॉन्फिडेंस से करेक्ट आंसर करने में, राइट। इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, आपने करना कैसा चाहिए। सबसे पहले आपने केमिस्ट्री या बायो अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बायो, फिर आपको लेना है केमिस्ट्री, फिर आपको लेना है फिजिक्स, और फिर आपको लेना है मैथ। यानी जो बच्चे पीसीबी के हैं वो क्या करेंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये पीसीबी के लिए हो गया। पीसीएम के लिए क्या हो गया, ये पीसीएम के लिए मैं लिख देता हूं दोबारा से, ये पीसीएम के लिए रेड वाला PCM, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना ठीक रहेगा, राइट। क्योंकि होता क्या है, इजी क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, बायो के, ये पहले अटेम्प्ट कर लेंगे तो ज़्यादा तान नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा आपका बहुत सारा पेपर सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है। क्योंकि अगर मैथ्स में अटक गए या फिजिक्स में अटक गए तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लग जाएगा, फिर ज़्यादा केमिस्ट्री और बायो के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, और ईजी होने के बाद भी आप उनको रॉन्ग कर देंगे, राइट। तो पहले अपनी तरफ से पीसीबी को बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरह से अटेम्प्ट करना है, और मैथमेटिक्स के लिए यानी पीसीएम के लिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी एग्जाम, सक्सेसफुल एग्जाम कीजिए और बूम फोड़ दीजिए। थैंक यू।